हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 11 अप्रैल 2019 की प्रीलिम्स अब्रिटर सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, फिर देखते हैं आज की न्यूज़। पहला जो क्वेश्चन है वो है हंटर कमेटी को लेकर है, जो कि 1919 में बनी थी। इसको लेके पहला स्टेटमेंट ये कहा गया है कि यह जो कमेटी है वो जलियांवाला बाग जो केस हुआ था इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाई गई थी। सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इस कमेटी में कोई भी इंडियन मेंबर्स या कोई भी इंडियन सदस्य नहीं था। तो देखो, इसके बारे में हमने कल ही डिस्कस किया था हंटर कमेटी के बारे में कि भाई जलियांवाला जब बाग मूवमेंट हुआ था, इसके बाद में जो केस हुआ था, इसके बाद में ही बेसिकली हंटर कमेटी है इसका निर्माण किया गया था और इसमें इंडियन सदस्य भी थे। वो अलग बात है कि उनकी चली नहीं थी। उसका मतलब यहाँ पे हम देखें तो सेकेंड स्टेटमेंट है वो गलत है और पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कि पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। यूपीएससी पूछ सकती थी कि कौन सा गलत है, तो यहाँ पे हो जाता सेकेंड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना को लेकर दो तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं और करेक्ट स्टेटमेंट को हमें आइडेंटिफाई करना है। देखो, एग्जाम में जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने, तो सबसे पहले आप ये मार्क करो कि आपको पूछा क्या गया है। हमें यहाँ पे पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट को, तो हमें फोकस करना है कि सही स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि यह जो स्कीम है वो सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 60 साल से ऊपर हो चुकी है उनके लिए है। सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी कि LIC है वो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने वाली एक एजेंसी है। और थर्ड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि यह जो स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की एक स्कीम है। तो अब आपने इसका आंसर वो सोच लिया होगा। एक बार आप देखिए कि भैया स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री की है। ओब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम नहीं है। देखा जाए तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाता है। और अगर आप थर्ड को एलिमिनेट करोगे यहाँ पे और पहला दूसरा दोनों बिल्कुल सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कि फर्स्ट एंड सेकेंड है वो करेक्ट हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है गोल्ड रिजर्व को लेके हैं कि अभी जो वर्ल्ड का गोल्ड रिजर्व है ना, उसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है वो करना है। मतलब सबसे ज़्यादा रिजर्व किसके पास है, फिर सबसे कम और लास्ट में सबसे कम। पहला ऑप्शन है इंडिया, दूसरा चाइना, तीसरा USA, चौथा है IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो देखो, जो हम बात करें गोल्ड रिजर्व की, सबसे ज़्यादा बड़ा जो गोल्ड रिजर्व है वह है USA के पास। कितना कितना है एक बार वो देख लेते हैं। डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार आपको थोड़ा मोटा सा आइडिया होना चाहिए कि भाई कौन सी कंट्री के पास कितने सोने का रिजर्व है, कितना गोल्ड का स्टोरेज है। वो है USA के पास है लगभग 8,133 मिलियन टन वगैरह को लेके आए, तो ऐसा कुछ यहाँ पे डाटा दिया गया है। इसके बाद में जर्मनी के पास है, इसके बाद में IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसके बाद में देखा जाए तो इटली है, और बात करें इंडिया की तो इंडिया यहाँ पे आ रहा है। इंडिया के पास 608.7 का यहाँ पे दिया गया आपके सामने। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि भाई इंडिया के पास कितना गोल्ड रिजर्व है। तो अब आप आराम से अरेंज कर सकते हो कि नंबर वन पे हो जाएगा 3। तो 3 देखोगे तो मतलब थर्ड और फोर्थ है वो तो एलिमिनेट अपने आप ही हो गए। तो सही है, पहले दूसरों में से अब एक होगा। इसके बाद में आपने यहाँ पे देखा कि भाई चाइना के बाद में देखा जाए तो फिर यहाँ पे IMF है, IMF के पास, तो सेकंड नंबर पे हो जाएगा यहाँ पे IMF। तो ये आंसर यहाँ पे हो जाएगा अपने आप कि पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो, अभी यह गोल्ड रिजर्व न्यूज़ में भी था क्योंकि इंडिया का जो गोल्ड रिजर्व है वो भी बढ़ा है, तो उसको लेकर न्यूज़ वगैरह आई थी। नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है। हमने ये रिपोर्ट्स वगैरह काफ़ी बार डिस्कस की हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से जो रिपोर्ट्स हैं वो कौन सी रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। पहला है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, दूसरा है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, और तीसरा है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। आपको ये बताना है कि ये तीनों रिपोर्ट कौन कौन पब्लिश करता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते हैं अब आज का पहला आर्टिकल। आज का जो पहला आर्टिकल है वो है सर्विस वोटर्स को लेके। सर्विस वोटर्स का मतलब क्या होता है? देखो, सर्विस वोटर का मतलब ये है वो लोग या वो आर्म फोर्स के पर्सन जो कि या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हो और उनकी पोस्ट कहीं और जगह लगी हुई हो। मतलब वो इलेक्शन के टाइम पे वोट नहीं दे सकते, उन पर्सन का वोटिंग राइट्स को लेके है सर्विस वोटर्स। कंटेक्स्ट अभी आया था कि ITBP के जो जवान हैं उनको अभी सर्विस वोटर्स के तहत उनके वोट हैं वो अभी ले लिए गए हैं। क्यों? क्योंकि देखो, कुछ जो सिपाही या हम बोल रहे हैं कि आर्म फोर्स के जो पर्सन होते हैं, CRPF हो, CISF वगैरह हो, इनकी पोस्टिंग ऐसे एरिया में होती है कि भाई वो उस दौरान जब इलेक्शन का टाइम होता है, वोटिंग डे होता है, तो उस दौरान अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है वहाँ पर वो वोट वगैरह जाके नहीं दे सकते। तो उनके पास दो मेथड होते हैं। वो कौन कौन से दो मेथड है, UPSC एक तो उनके बारे में पूछ सकती है। एक तो उनके पास होता है पोस्टल बैलेट, मतलब वो डाक के द्वारा अपना जो वोट है वो भेज सकते हैं कि भाई मेरा जो वोट है वो इस कैंडिडेट को दिया जा रहा है, वो पोस्ट स्पीड पोस्ट वगैरह उसको कर सकते हैं डाक वगैरह के थ्रू।
सेकंड उसका मेथड ये होता है कि प्रोक्सी वोटर का, मतलब प्रोक्सी वोटर मतलब जिस तरीके से हमने स्कूल कॉलेज में अपने दोस्तों वगैरह से वो प्रोक्सी अटेंडेंस लगवाई है वो मेथड होता है। बट इसमें कंपलसरी बात यह है कि आप जिस भी पर्सन के थ्रू अपना वोट प्रोक्सी या लगवाना चाह रहे हो उस पर्सन का नाम वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी या वहाँ की हम बात करें विधान परिषद या जो इलेक्शन एरिया है उसमें उनका नाम होना चाहिए। जैसे कि मान लो कि कोई आर्मी पर्सन है, वो अगर प्रोक्सी वोटिंग के लिए अपने भाई को या फिर अपनी वाइफ को या अपनी बहन को अगर एक दिन नॉमिनेट करता है कि भाई वो मेरी जगह वोट देगी, तो वो एक्चुअली उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसका नाम होना चाहिए। जैसे अगर भाई को दिया है छोटे भाई को, तो छोटा भाई उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा होना चाहिए कि उसका नाम वोटर लिस्ट वगैरह में हो, तभी वो वोट वगैरह दे सकता है। तो अभी दो तरह की वोटिंग राइट इंडिया में अलाउ किए गए हैं, तो आपको ध्यान में रखना है किन के लिए हैं। यह अभी जो आर्म फोर्स के पर्सन है, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट के अंतर्गत हो या फिर जो स्टेट की पुलिस फोर्स वगैरह हो, उनके लिए बेसिकली इनका प्रावधान है वो किया गया है। उनकी पोस्टिंग इंडिया में भी हो सकती है, आउटसाइड ऑफ इंडिया कहीं भी उनकी पोस्टेड हो, उस कंडीशन में उनके लिए ये वोटिंग राइट दिए गए हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, एक्चुअली ये इस साल जो काफ़ी ऐसी स्पीसीज हैं जो न्यूज़ में रही हैं कि भाई ये स्पीसीज है ये वनरेबल में है, एक कौन सी में, तो उसको लेके आर्टिकल हम देख लेते हैं। एक तो है इंडियन लेपर्ड, या जिसे कॉमन लेपर्ड के नाम से भी जानते हैं, यानी पेंथर। देखो जो इंडियन लेपर्ड है ना, इसको कॉमन पेंथर के नाम जानते हैं, इसे IUCN में वनरेबल लिस्ट में डाला गया है और वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है इंडिया का उसके शेड्यूल फर्स्ट में रखा गया है, और जो साइट्स कन्वेंशन है ना इसके अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। इसी के साथ ही स्नो लेपर्ड है, उसको भी IUCN की वल्नरेबल लिस्ट में डाला गया है, पहले है इंडेंजर्ड में था, तो UPSC इसके बारे में पूछ सकती है, काफ़ी न्यूज़ में भी था। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल फर्स्ट में है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, और CMS जो है उसके भी अपेंडिक्स 1 में है। तो मेनली UPSC साइट्स और IUCN के बारे में नॉर्मली ज़्यादा पूछती है, तो इनका ध्यान रखना है। इसके बाद में है नीलगिरी तहर। देखो नीलगिरी तहर है ना, ये तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है जो कि तमिलनाडु वाले एरिया में मेनली पाया जाता है, और यह IUCN की इंडेंजर्ड लिस्ट में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल फर्स्ट में इसको प्रोटेक्ट किया गया है। अब हम बात करें कश्मीरी स्टेग। कश्मीरी जो स्टेग है, हंगुलिया कश्मीर हिरण एक तरीके से हम बोल सकते हैं, यह जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट एनिमल है और IUCN में इसकी जो मतलब एक तरह प्रोटेक्शन की लिस्ट है वो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, मतलब बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके शेड्यूल फर्स्ट में इसको प्रोटेक्ट है वो किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं जिनको हमने यहाँ पे कवर किया है। अब एक स्पीसीज और है, वो है संघाई, या हम एक तरह से बात करें संघाई डियर, या इसको डांसिंग डियर के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो UPSC इसके दो तीन नाम दे सकती है, एक तो यहाँ पे दे सकती है एंटलर डियर, या फिर दे सकती है संघाई, या फिर यहाँ पे आपको दे सकती है एल्स डियर। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई एक ही डियर या एक ही हिरण की प्रजाति है जो कि मणिपुर का स्टेट एनिमल है, और इसे IUCN की इंडेंजर लिस्ट में रखा गया है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल फर्स्ट में। अब देखो इंपॉर्टेंट बात ही है कि ये जो डांसिंग हिरण है ना, ये बेसिकली कैबुल लमजाओ जो नेशनल पार्क है, जहाँ पे आपको पता है एकमात्र लोकतक लेक है जो कि इंडिया की एक फ्रेश वाटर लेक है और जो कि तैरती हुई लेक भी है, फ्लोटिंग लेक, वहाँ पे एक ग्रास लैंड है जिसका नाम है फुमदीज है, वहाँ पे छोटी छोटी फुमदीज होती हैं, उनके ऊपर एक कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क है और वहीं पे ही है जो हिरण है जिस संघाई हिरण ये पाया जाता है, ओनली उसी एरिया में एंडेमिक है, मतलब उस एरिया के अलावा और कहीं भी नहीं पाया जाता। कैबुल लमजाओ जो नेशनल पार्क है सिर्फ इसी में संघाई हिरण है वो पाया जाता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, तो ये हमें ध्यान में रखना है, UPSC इसके बारे में पूछ सकती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है वीर परिवार ऐप। वीर परिवार ऐप है वो देखो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया एक एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन बनाया गया है कि जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि जो CRPF के जो जवान शहीद हुए होते हैं वो, और इसके साथ जो उनकी अथॉरिटी होती है या फिर हम बोले उनके परिजन हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन या उनके बीच में एक लिंकेज कनेक्ट करने के लिए, मतलब जो जवान शहीद होते हैं उनकी जो अथॉरिटी होती है या उनका जो प्रशासन होता है, वो एक साइड तो प्रशासन होगा और एक साइड उनके जो परिवार के लोग हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए या आपस में एक वे रास्ता प्रोवाइड करवाने के लिए इस एप्लीकेशन का निर्माण किया गया है। इसमें होगा क्या कि जो भी जवान वगैरह शहीद होते हैं उनके जो भी पेरेंट्स वगैरह हैं या उनके जो भी रिश्तेदार वगैरह हैं, वो गवर्नमेंट से कोई भी हेल्प वगैरह चाहिए, कोई भी सपोर्ट चाहिए किसी भी तरीके का, तो वो सारी डिटेल्स हैं वो इस वीर परिवार एप्लीकेशन के थ्रू उनको प्रोवाइड हैं, वो करवाई जाएंगी एक टाइम से, एक तरीके से उनको जितने भी असिस्टेंट सपोर्ट हैं वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी इस एप्लीकेशन के थ्रू। और ये आपको ध्यान में रखना है कि CRPF का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, न्यू दिल्ली में है। और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो वीर परिवार का जो एप्लीकेशन है ना, ये केवल जो परिवार के मेंबर होंगे या जो शहीद के परिवार के लोग होंगे केवल उन्हीं को दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि ये एप्लीकेशन सब लोगों के लिए अवेलेबल है, नहीं, जो लोग शहीद होंगे उनके परिवार वालों को ये एप्लीकेशन दिया जाएगा, बाकी सब लोगों के लिए आम जनता के लिए अवेलेबल नहीं होगा, ताकि एक इसकी सिक्योरिटी वो भी मेंटेन हो सके और ऑफिसर्स हैं वो इनके ऊपर फोकस कर सकें और इनको उचित सपोर्ट है वो दिया जा सके।
नेक्स्ट जो आर्टिकल देखो, आजकल वीवीपैट काफ़ी न्यूज़ में रहती है। वीवीपैट का मतलब होता है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, तो ये काफ़ी बार न्यूज़ में रहती है। अब देखो यूपीएससी यहाँ पे कई तरीके के क्वेश्चन पूछ सकती है वीवीपैट क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि इलेक्शन में जब देखो हम वोट देते हैं तो इस तरीके की आपको पता है कि ईवीएम होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसके साथ ही इस तरीके का बॉक्स जुड़ा होता है डस्टबिन टाइप का सा, जिसमें देखो यहाँ पे एक स्क्रीन लगी हुई है। इस स्क्रीन में हमें कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, तीन चीज़। जिस भी पर्सन को हम वोट देंगे उस कैंडिडेट का सीरियल नंबर है वो दिखाई देगा, इसके साथ ही उस कैंडिडेट का नाम क्या है जैसे राजेश मोहन जो भी है वो नाम दिखाई देगा, इसके साथ ही उसका सिंबल क्या है जैसे कि उसका सिंबल जो भी हो सकता है हथौड़ा हो बाल्टी हो कमल हो जो भी टीसी कोई भी सिंबल है वो, तो ये तीन चीज़ें वहाँ पर दिखाई देंगी। यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है कि वीवीपैट में उस पर्सन का नाम दिखाई देगा ओनली, उसका मतलब एड्रेस दिखाई दिया जाएगा, इस तरीके से कोई भी घुमा फिरा के दे सकती है। तो हमें पता होना चाहिए कि कैंडिडेट का सीरियल नंबर, नाम और जो उसका सिंबल है वो दिखाई देगा। तो इससे होगा क्या, जैसे कि मान लो किसी पर्सन ने ये बटन दबाया पहला, और पहला बटन ये मान लो कि किसी पार्टी को है, मान लो कि बीजेपी को है, किसी को भी हो, तो वो यहाँ पे वेरीफाई कर सकता है, स्क्रीन में उसको सिंबल दिखा देगा कि भाई हाँ उसने वोट दिया, वो सही कैंडिडेट को दिया है या नहीं दिया है, तो उसको लेके फिर यहाँ पे जो बॉक्स होगा इसमें एक स्लिप जाती रहेगी और फिर उन स्लिप को लास्ट में काउंट किया जा सकता है कि हाँ भाई कोई धांधलीबाजी तो नहीं हुई है। तो वीवीपैट के बारे में हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है करेंसी चेस्ट को लेके। क्या है करेंसी चेस्ट वो हम देखते हैं। देखो करेंसी चेस्ट का मतलब है एक तरीके से जो मुद्रा होती है हमारे देश की उसके स्टोरेज या उसके भंडार गृह। देखो आपको पता है कि आरबीआई काफ़ी सारी मुद्रा प्रिंट करती है और बैंकों के पास भी बहुत बड़ी मात्रा में पैसा होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि वो पैसे को हर कहीं रख दें, तो वो क्या है जगह जगह पे एक तरीके से स्टोरेज बना के रखती हैं, जिस तरीके से जो अनाज वगैरह के कोल्ड स्टोरेज होते हैं उसी तरीके से करेंसी को भी स्टोर करने के लिए जगह जगह पर स्टोर हैं वो बनाए जाते हैं। तो अभी आरबीआई ने नई गाइडलाइन जारी की थी नए करेंसी चेस्ट्स बनाने के लिए, तो यूपीएससी पूछ सकती है कि करेंसी जो चेस्ट्स हैं वो क्या है, यहाँ पे मतलब करेंसी की पेंट वो एक तरीके से प्रिंटिंग होती है या फिर यहाँ पे स्टोर किया जाते हैं, तो भाई यहाँ पे स्टोर किया जाते हैं, वो प्रिंटिंग वगैरह नहीं होती है। और जो बैंक वगैरह होते हैं जैसे कि बड़े बड़े बैंक हैं उनके जो पैसे हैं वो इन्हीं स्टोरेज में रखे जाते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि डेली ट्रक भर के इधर से उधर घुमाएंगे, जैसे आज एसबीआई के पास कोई पैसा है तो उसको इधर से उधर लेके जाएंगे फिर इधर से उधर, उनको एक जगह स्टोर करके रखा जाता है, चाहे उसमें कॉइन हो या फिर करेंसी के जो भी नोट वगैरह हो। तो अभी तक इंडिया में लगभग 4,075 करेंसी चेस्ट या ऐसे स्टोरेज बनाए गए हैं और उनको मतलब वहाँ पर फोकस किया जाता है और उनकी जो सिक्योरिटी वगैरह गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। तो यूपीएससी पूछ सकती है कि भी क्या होता है करेंसी चेस्ट को लेके। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है न्यू स्टेट ऑफ मैटर। देखो एक पदार्थ की एक नई अवस्था है उसको डिस्कवर किया गया है। क्या है यह अवस्था, देखो यह एक फिजिकल मैटर को लेके अभी डिस्कवर है वो की गई है। इसमें होगा क्या, नॉर्मली हमने देखा कि एक तो होती है सॉलिड स्टेट और एक होती है लिक्विड और एक होती है इसके बाद में गैस। अभी क्या है, एक ऐसी स्टेज या ऐसी अवस्था खोजी गई है जो कि एक टाइम पे सॉलिड भी होगी और उसी टाइम पे वो लिक्विड फॉर्म में भी होगी, मतलब एक ही समय में सॉलिड और लिक्विड दोनों कंडीशन उसमें पाई जाएंगी, तो वो यहाँ पे डिस्कवर की गई है। इसको बेसिकली यहाँ पे चैन मेल्टेड स्टेट भी नाम दिया गया। तो यूपीएससी पूछ सकती है कि चैन मेल्टेड स्टेट है वो क्या है, तो भाई इस कंडीशन में सॉलिड और लिक्विड दोनों एक ही सेम टाइम में एक ही अवस्था में रहते हैं, दोनों के एटम हैं वो एक मतलब सॉलिड में भी पाए जाते हैं और लिक्विड दोनों ही कंडीशन में एक साथ मिलेंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन रेमिटेंस को लेके। जो रेमिटेंस होती है इसको लेके वर्ल्ड बैंक के द्वारा हर साल रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, पहला क्वेश्चन तो यहीं पे बन गया। अब देखो रेमिटेंस होती क्या है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि इंडिया के बहुत से पर्सन ऐसे हैं जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं और वो आपको बताया कि वापस इंडिया में पैसा भेजते हैं, तो वो जो पैसा है इंडिया में वापस आता है उस पैसे को रेमिटेंस के नाम से जाना जाता है। तो अभी ये रिपोर्ट आई है कि वर्ल्ड बैंक ने यह कहा है कि इंडिया है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस हासिल करने वाली कंट्री है। देखो फिर यहाँ पे थोड़ा डाटा दिया गया है, डाटा तो यूपीएससी नहीं पूछेगी कि 2018 में दिया गया कि इंडिया में लगभग 79 बिलियन यूएस डॉलर का पैसा रेमिटेंस के तौर पे आया है जो कि 2017 के कंपैरिजन में 14% ज़्यादा है। तो ये यहाँ पे एक डाटा दिया गया है। इसके बाद में ये कहा गया है कि 2016 में इंडिया को 62.7 बिलियन यूएस डॉलर की रेमिटेंस प्राप्त हुई थी और 2017 में हुई थी 65.3 बिलियन डॉलर की और 2018 में हुई है 79 बिलियन यूएस डॉलर की। मतलब लगातार इंडिया को रेमिटेंस है वो बढ़ती जा रही है, मतलब इंडिया के पर्सन बाहर ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनको अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं बाहर और वो पैसे फिर इंडिया में भेज रहे हैं।
तो ये कहीं ना कहीं फिर इसके साथ में ये इफेक्ट दिया गया है कि भाई केरला में जो फ्लड आई थी पिछले साल, इस फ्लड की वजह से भी जो बाहर केरला के लोग रहते थे उन्होंने काफ़ी सपोर्ट है वो प्रोवाइड करवाया, और इसीलिए जो रेमिटेंस है इसमें वृद्धि देखने को मिली है। देखो एक फैक्ट ध्यान में रखना, इंडिया को सबसे ज़्यादा रेमिटेंस हासिल हुई है, पर अगर हम बात करें परसेंटेज के आधार पर ना, तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज रेमिटेंस बढ़ी है वो बढ़ी है बांग्लादेश की, बांग्लादेश की बढ़ी है 15%, जबकि इंडिया की बढ़ी है 14%। बट इंडिया का जो 14% है ना वो बांग्लादेश के 15% से कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया के पास रेमिटेंस बहुत बड़ी मात्रा में है। तो परसेंटेज के आधार पर पूछे तो इस बार बांग्लादेश नंबर वन पर रहा है, और वैसे ऑल ओवर पूछा जाए तो इंडिया है वो नंबर वन पर रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा रेमिटेंस इंडिया को हासिल हुई है, और ये डाटा पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को लेके। देखो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है ना, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आता है। बेसिकली होता क्या है, ये एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है। होता क्या, इसमें जीन को एडिट है वो किया जाता है। जैसे ये मान लो कि ये एक डीएनए है, और ये मान लो कि इस डीएनए का ये वाला जो हिस्सा है ना, ये खराब है, इसमें कोई ना कोई गड़बड़ है। तो होगा क्या, जीन एडिटिंग में इस वाले हिस्से को हटा के, देखो ये वाला हिस्सा है इसको यहाँ पे हटा दिया, और फिर जो सही वाला हिस्सा है इस हिस्से से, ये मान लो कि हिस्सा सही है, इस हिस्से को यहाँ से काट के इसमें जोड़ दिया, फिर ये प्रॉपर सही डीएनए बन गया। इस तरीके की इसमें एडिटिंग होती है। खैर टेक्निकली ये सही नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया कि जीन एडिटिंग का मतलब क्या है। तो यूपीएससी पूछ सकते हैं क्रिस्पर टेक्नोलॉजी क्या है, ये एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है। कंटेक्स्ट अभी आया था कि पहले बार ऐसा हुआ है कि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो लिजार्ड्स हैं, चार लिजार्ड की ऐसी स्पीसीज हैं जिनको मॉडिफाइड करके मतलब वापस प्रोड्यूस किया गया है, इनका नाम भी यहाँ पे दिया गया है, वो दिया गया है एनोलिस सागरी लिजार्ड्स। तो यूपीएससी पूछ सकती है कि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या प्रोड्यूस किया गया, तो हमें पता होना चाहिए कि लिजार्ड है इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली है, अटेम्प्ट है वो किया गया है। तो देखो ये थी आज की हमारी कंप्लीट डिस्कशन, तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।